सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइट 4 क्षेत्र की स्थापना का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। संचार क्रांति में CEL के द्वारा बनाए गए फेराइट पोर्ट कोर की बहुत ही बड़ी भूमिका रही। CVG CV, जिसका उपयोग टेलीफोन व अन्य उपकरण में किया जाता है। सन 1970 के दशक में देश का दूर संचार विभाग इस फेराइट कोर की कमी से जूझ रहा था। इस कमी को पूरा करने के लिए देश के राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में स्थित ने जिम्मेदारी उठाई तथा इसका एक प्रभाग में शोध कार्य प्रारंभ किया गया। आगे चलकर इस फेराइट कोर की आपूर्ति पूरा करने के लिए एक उत्पादन इकाई का प्रस्ताव तत्कालीन वैज्ञानिक स्वर्गीय श्री TB रामकृष्ण मूर्ति जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रस्ताव भेजकर CEL के निर्माण की इच्छा व्यक्त की, जिसके फलस्वरूप भूमि की तलाश के लिए ये प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजा गया तथा धारूहेड़ा में प्लांट को लगाने का प्रस्ताव किया गया, परंतु स्थानीय लोगों के विवाद के कारण ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने सहर्ष प्रस्ताव की मंजूरी देते हुए भूमि अधिग्रहण विभाग को कड़कड़ मॉडल गांव के किसानों से बात करने को कहा। किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया कि हर एक जमीन के देने वाले घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी तथा इस क्षेत्र का विकास होगा। इस प्रस्ताव को किसानों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम स्वरूप सन 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद में की गई। CEL की स्थापना में कड़कड़ मॉडल तथा स्थानीय किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने अपनी भूमि 50 एकड़ जमीन CEL के निर्माण के लिए दिया। आज भारत सरकार द्वारा CEL के निजीकरण किया जा रहा है। उस समय जिन किसानों ने अपनी भूमि का योगदान देश हित समाज के हित के कार्य के लिए दिया था, उसे वर्तमान में भारत सरकार आज निजीकरण के द्वारा उनके त्याग तथा बलिदान की भावना से खिलवाड़ कर रही है। शास्त्री जी ने किसानों को त्याग बलिदान और साहस के प्रतीक मानते हुए जवानों की बराबरी का दर्जा देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्या करती है CEL? सन 1974 में CEL की स्थापना देश के प्रयोगशालाओं के द्वारा तकनीकी ज्ञान को अर्जित करने के बाद उत्पादन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वर्तमान में कंपनी भारतीय रक्षा क्षेत्र में रडार में प्रयोग होने के लिए जा रहे फेस कंट्रोल मॉड्यूल की आपूर्ति देश की एकमात्र उत्पादक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है तथा साथ ही साथ मिसाइल के प्रयोग में किए जा रहे हैं रेडोम तथा अन्य कंपोनेंट का उत्पादन कर रही है। रेलवे सुरक्षा, रेलवे में भी सेफ्टी उत्पादों का उत्पादन कर अग्रणी भूमिका निभा रही है। सतर्कता सुरक्षा क्षेत्र SCG, वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे नए आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की परियोजना को पूर्ण कर रही है। सोलर पैनल।